हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एसएसके व्लॉग। और आज है अमास, जो भादरवा की अमास होती है वो अमास है। तो आज कल नवरात्रि शुरू होने वाली है, तो मैं नवरात्रि के लिए जो दिया की और बाती होती है ना, दिया वो तैयार कर रही हूँ। तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे दिया बनाती हूँ वो दिखा रही हूँ, देखो। और कृषा कर रही है होमवर्क। और यहाँ मैंने नवरात्रि के लिए शॉपिंग भी कर ली है। ये जो माता जी का गरबा होता है उसमें डालने के लिए जुवार ले ली है, और इसमें धूप है, इसमें गूगल स्टिक है, इसमें और इसमें क्या है, शायद माता जी का श्रृंगार होगा, कान्हा जी का मुकुट टूट गया था वो भी ले लिया है मैंने, ओ माता जी के हार ले लिए हैं। और चुन्नी तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, बनाई थी, तो वो भी वो नहीं ली मैंने। वर्षा बिना ने वाले हैं आज अम्मा से, इसको भोजन के लिए बुलाया है मैंने, तो इसलिए खीर के लिए तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ में। और ये बना रही हूँ दिया। दिया बनाने के लिए यहाँ ऐसा एक आइस ट्रे लेना है, और कैंडल, और गाय का घी, और ये है जो गुजराती में कहते हैं हम लोग वाइट दिया। और मैंने कपूर ले लिया है, इस सब को मिक्स करके मैं दिखा रही हूँ कैसे बना रही हूँ। पहले तो ऐसे ऐसे करके इसमें रख देनी है सब, अच्छे से बिठा देना है इसको, ऐसे रख रही हूँ मैं। तब तक के जब तक के लिए मैं ये रखती हूँ, तब तक के लिए गर्म करने के लिए रख देती हूँ गाय के घी को। और उसमें मैं डाल रही हूँ कपूर, इतना कपूर डालूंगी जो ऐसे करके डाल दूंगी। और कैंडल डाल रही हूँ, एक कैंडल डाल दूंगी मैं। ऐसे ऐसे करके इसको पिघल देना है। ये कैंडल भी पिघल गई है, घी भी पिघल गया है, और कपूर भी पिघल गया है, ऐसा हो जाएगा। और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे, हो जाती है ऐसे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डुबो डुबो कर इसको रख रही हूँ। पहले इसको फ्रिज में रख दूंगी, बाद में फिर डालूंगी इसमें, थोड़ी देर सेट करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी, देखते हैं अच्छे से होते हैं या नहीं। पहली बार ट्राई कर रही हूँ, जो कैसा होता है वो देखते हैं। तो ये देखो मैंने फ्रिज में रख दिया था थोड़ी देर के लिए, तो सेट हो गए हैं, अब हिलेंगे नहीं। तो इसमें डाल देते हैं ये लिक्विड। इसमें मैंने कपूर और डाला था फिर से, ये देखो मैं डाल रही हूँ। अब अच्छे से हो जाएगा लगता है, यार ज्यादा हो गया। ये हो गया है, और मैं खा रही हूँ बड़ी आड़ी। तो
ये तो हो गया है। अब दीपावली और नवरात्रि में जो जो हम करते हैं, दीपावली की अगाऊ से तैयारी करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। और ये नवरात्रि की तैयारी तो शुरू हो गई है, कल है पहला नौर था, तो कल भी आपको दिखाएंगे पहली हमारी फैमिली आरती माता जी की। और इसको मैं रखने जा रही हूँ फ्रिज में, और 10 से 15 मिनट तक के जम जाएंगे, तब तक के लिए रख देती हूँ। मेरे नणंद आ चुके हैं और मैं बोल रही हूँ मर्चा सवाल। तो ये बन चुकी है हमारी, अच्छे से बन गई है, देखो वाओ। तो आप भी जरूर ट्राई करना है, बहुत अच्छे से बन गई है नवरात्रि की तैयारी। ऐसे रख देना है इसको, जब भी हमें आरती करनी है तब इसे रख देना है, और कुछ नहीं बस ऐसे। तो ये है आज की हमारी रेसिपी। कबूतर ने चैन नाखवा जा रहे हैं बर्ड्स को चौन खिलाने के लिए, उसका चारा डालने के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको, इसमें है चौन मग भरे हैं इसमें। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम नीजा और श्लोक। तुम डालोगी खाना, पिजन को खाना डालोगी? ओके। पेरी ले तो हम आ चुके हैं चौड़ नाखने, ये लिए है हमने मग, पिजन मग बहुत खाते हैं। वाले नहीं जुओ, नहीं जुओ खिजा से वाला भाई, वो पकड़ आले, उड़ाड़वाना नहीं, ब्याते पकड़। जय ओम भैलो, लाइन कर आले, જો હમણાં આવશે કેટલા બધા, જો મૂકી દે જા, લે એમ નહીં, એમ નહીં, લાઈન કર, નીચું લાવ, અહીં બેસી જા, અહીં બેસી જા, ઉડાડી દેસ તું, લે ये बहुत नोटी हो गई है, बहुत बहुत, क्या बताऊ कितनी नोटी हो गई है ना ये लड़की। इसको तो मजा ही आ गया, इसको खेल होता है। उड़ा देगी, तुम उड़ा देगी, उसको खाने दो, डिस्टर्ब होता है पिजन को। मैं नहीं खाने दूँगी। नीचू उसमें व्हाइट पिजन है, देखो
ये रहा वाइट, थोड़ा सा दिख रहा है। जा कबूतर जा चैन का देख। उसकी आवाज सुनो कैसे सुनाई देती है कुकु को। चल गाड़ी में बेस में आती हूँ चल। देखो इधर लाइन हो गई है मुख खाने के लिए। देखो तो फ्रेंड्स आज पहला नोटा है, पर पहले नोटा कि आरती तो मैं इसमें नहीं डाल सकती क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले नोटा की हमारी फैमिली आरती, तो आप हमारे साथ बने रहे और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाय।